ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसान संगठन आग बबूला। केंद्र सरकार के किस अध्यादेशों को लेकर किसान संगठनों में गुस्सा बढ़ गया है। किसान संगठनों का मानना है कि यह अध्यादेश किसानों के हित में कतई नहीं है, इसीलिए उन्होंने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। रविवार को भारतीय किसान यूनियन अखंड के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अध्यादेश का पुतला फूंका और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि अध्यादेश में गोलमाल है और इसमें किसानों के हित की सुरक्षा कतई नहीं है, इसलिए सरकार को इस पर सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए था, लेकिन इसमें किसानों की राय तक नहीं ली गई है, इसलिए हर हाल में इसका विरोध किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन अखंड के युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी ने इस दौरान मोदी सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है, सिर्फ पूंजीपतियों का भला सोचती है, किसानों से उसका कोई लेना देना नहीं। नीरज चौधरी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीके यू अखंड। ये कृषि अध्यादेश का हमने पुतला दहन किया है। जो कृषि अध्यादेश जो है भाजपा सरकार ने लागू किया है, उसे किसान जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के लिए ये काला कानून है। सरकार से मांगे हमारी इसे वापस किया जाए। यही है, एक तो MSP कानून बनाया जाए, MSP लागू किया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट C2 के आधार पर लागू किया जाए, जिससे कि किसान का भला हो सके। ऐसी क्या स्थिति थी कोरोना महामारी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, जो किसानों से बिना पूछे ऐसा काला कानून अध्यादेश पास कर दिया। हम इसका विरोध करते हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश में इसका जो है जोर शोर से विरोध किया जाएगा।